जय हिंद साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन आज हम लोग समझेंगे, आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन की। डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम से आपने क्या क्लियर होगा, ये हमारा ओवम है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सल है। इस एक्सल से देखिए स्पर्म क्या है, स्पर्म आके फ्यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक स्पर्म फ्यूज कर गया। अब ऐसा नहीं अगर फ्यूजन हो जाएगा तो और स्पर्म पहुंच के फ्यूज कर, टॉपर कोई एक ही होता है, ऐसा नहीं रेस होगा तो टॉपर कोई एक ही है तो यहाँ टॉपर है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, यानी कि कॉपुलेशन टाइम में जो सीमेन है, सीमेन को आपने पढ़ा था स्पर्म प्लस प्लाज्म, क्या था आपने पढ़ा था, आप प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा मैंने बताया था स्पर्म प्लस देन सीमेन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है ना, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कीजिएगा। रिलीज बाय द पेनिस, अब पेनिस रिलीज करता है कहां पे, वजाइना में, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी कि जो स्पर्म को वजाइना में रिलीज कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंसेमिनेशन। तो ये देखिए ये आपका वजाइना है, इस वजाइना में पेनिस के थ्रू स्पर्म रिलीज होगा और वो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्रस से होते हुए ये देखिए ये ट्रैक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब में अगर आप यहां पे ओवरी नेक्स्ट डायग्राम में नीचे कर सकते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में ये देखिए दिया है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब ओवम से स्पर्म फ्यूज करेगा इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन होता है किस रीजन में, इट अकर्स इन एम्बुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का मैंने दिखाया था इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, ठीक है ना, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका वजाइना है। अब इंसेमिनेशन के थ्रू, इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म जो रिलीज हुआ और देखिए यूट्रस से होते यूट्रस कैविटी के थ्रू एक एक साइड का देखिए यहां पे, अब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे। अब फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था एक रीजन है स्टमस, स्टमस प्लस एम्बुला प्लस इनफंडिबुलम इज इक्वल टू होता है फैलोपियन ट्यूब। तो हमारा जो है अब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और इधर ओवरी से मैच्योर एग, यानी कि जो ओवुलेशन टाइम मैंने बताया था 14 डे, अब ये एग रिमूव होगा, यहां पे रिलीज होगा और फिमेली क्या होगा, फिमेली रिसीव करेगी और फिमेली एम्बुलरी रीजन में पहुंचाएगा एग को और एग यानी कि फर्टिलाइजेशन। यहां इसके पे देखिए स्पर्म वजाइना सर्वाइकल कैनाल से थ्रू यूट्रस स्टमस रीजन में और पहुंच गया स्टमस से एम्बुलरी रीजन में। दूसरा ओवम जो है ये ओवरी से रिलीज होगा, फिमेली रिसीव करेगा और इनफंडिबुलम में रीजन में पहुंचेगा, इनफंडिबुलम रीजन से एम्बुला में और एम्बुला से एम्बुला और स्टमस के बीच में एम्बुलरी रीजन है और इसी रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए एग को इस पर यहां पे फ्यूज कर, ठीक है, ओके, थैंक यू।